उदय फेवरेट काम। ठीक हाँ सर कर दिया। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। अरे एक ना मुझे जीएन बर्मन को भेजेगा क्या वो फोटो बुक की फोटो। हाँ गुड सर, इवनिंग गुड सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग सर। वेरी 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 गुड इवनिंग बेटा। आज मैं वेटिंग बंद ही कर देता हूँ है ना। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। किसने मेरे को व्हाट्सएप किया फोटो। कर लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन डिस्कस किया था अपने। तो रहा हूँ। 1890 तुम तो मुझे 1890 के बाद वाला भेजो। 1891 से लेके 1900 तक भेज। वो तो भेज दिया। थैंक यू निश्चय। हाँ इस पेज में कौन कौन सा डाउट है। एक तो 1900 होना चाहिए। मैं करवा दूंगा ठीक है। सर 1 मिनट, आप मैं बता रहा। 1901 भी होगा। हाँ सर, 1904 भी होना चाहिए। उससे पहले भी कौन कौन से पहले बोलो। पहले रुको अभी अभी 1906। अभी रुको सबको रुको। मैं ना ऐसे करता हूँ। हाँ मुझे डाउट बोलो कौन कौन से हैं। अरे देखो डाउट कैसे से ये 1891 से लेके 1909 तक बोलो। नंबर बोलते जाओ बोलो। कहाँ गए। ये 1895, 1895 नाइन ठीक है। सिक्स 1898, हाँ 1900। सर 1896 भी है। वन एट नाइन से तो क्लास में कराया होगा। एक्स क्यूब को ठीक है फिर भी डिस्कस कर लेंगे। तो और 1903, 4, 3, नाइनटीन 4, जीरो फोर 1904। हाँ। और तो 1903। इंसान और 1902 होना चाहिए था। वो तुम्हारा है नहीं। जो डाउट होना चाहिए वो नहीं है तुम्हारा। 1902 हो गया सबसे। नहीं नहीं सर, सर वो तो आपने बोला था ना, आप बस करवा दोगे। इतने बहुत है ना। मोर देन इनफ है। इतने में से तो पता चले आज पूरी सर क्लास इसी में डिस्कशन में चलेगी। तो इतने में पहले मैं ले रहा हूं 1895 किसका है। जुगल तेरे हाँ बेटा रुक। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना है। एक्स को ए टाइम थीटा मान ले तो डी से इक्वल टू कितना हो जाएगा। ए से ये मानने की इच्छा कैसे हुई क्योंकि ये देख के सब्स्टिट्यूशन देख के दिमाग में आता है। हाँ तो ए सेक्स का थीटा डी थीटा अंदर कितना हो जाएगा बेटा। ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। बाई टू अब तो हो जाएगा
हाँ सर 9-6 भी हो गया, मत करवाना। 6 डाउट है तो उसमें क्या करना, x 1896 क्या सर हो गया वो भी जस्ट आपने बोला ना फिर। अरे ऐसे देखे देखो सब्स्टिट्यूशन मानने का डाल लो ना, ये वाला x s को देखो क्या मानने का है, a tan theta ऐसा दिख जाए तुमको क्या मानना चाहिए, x is equal to a sin theta। 1896 में x को क्या मान लो, 3 sin theta मान लो। हां सर हो जाएगा ना भी ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. तो 189 by 1898 उसमें x को 10 जटा मान लो यार। हाँ ये हो गया सर, हो जाएगा ना अभी बेटा। हाँ सर, और शायद तक इससे भी अच्छा सॉल्यूशन देख लेंगे थोड़ा और अल्टरनेट देखते रुको मैं दिमाग में। x स्क्वायर बाहर निकालो, बाहर क्या निकल के आया, x नहीं नहीं वही करो, x को क्या मान लो, tan theta मान लो, तो ऊपर कितना हो जाएगा, sec का theta d theta, tan theta sec theta हो जाएगा ना अभी तो। हाँ सर, 1896 में भी ऐसा कर सकते ना, वो x कर बाहर निकालेंगे तो x cube और नीचे x की power 3 बचेगा फिर, तो वो 9 by x square है तो उसका derivative। वाह निश्चित रे, आवाज दिया तो माइक लगाया नहीं सर। ए बेटा लेकिन x की पावर कितनी निकल के आएगी, 3 आएगी, तो वो नीचे 6 है तो नीचे 3 हो जाएगा। हाँ 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 डन, उसके बाद कौन डाउट था, 1898 भी हो गया, 1900 ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलो इसको दो तरीकों से करते हैं, तुमको पता है कि सर ना अब देखो बेटा ये स्किल डेवलप करो, ये पहला स्किल तो मुझे लगता तुमको अभी देखो थोड़ा मैं कराता हूं। तुम्हारे सर ने पता नहीं यही लिखा हो, ध्यान देखो एक बार, अभी वही सेम सवाल है क्या। Yes, लेकिन सर की देखो सर की आदत देखना भी, सर इस फंक्शन को क्या मानेंगे, सेकंड, ऐसा मानने का सर का तरीका क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन पता है, तो इसका इंटीग्रेशन पता है, माइनस एक्स बाय टू को बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4 - x²³/2 2/3 होने वाला था, सही है। Yes, और माइनस भी आया था, माइनस ये वाला ना, ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 और 4 - x²³ कितना 3/2, कुछ गलती है क्या मेरी कैलकुलेशन में, मुझे कहीं ना कहीं गलती स्मेल आ रही है, कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 2/3 सही है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x by 2 डेरिवेटिव 1/2 सही है ना। हाँ बेटा फिर भी देख लो ना, न्यूमेरिकल गलती होनी चाहिए मुझे लग रहा है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस x by 3 4 - x²³/3 और 1/3 को अलग कर दिया सर ने। अब देखो सर सर की एक और आदत देखो, यहां तो कोई तकलीफ नहीं, नहीं सर, और ये आई चल रहा है अभी, बस थोड़ा तुम देखो इसका और इसका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो, एक्स बाय टू क्वेश्चन a²/2 साइन इनवर्स x/2 और वापिस वो आई नहीं बन गया क्या ये वाला इतना। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं सर, अब तो हो गया ना ये, बस मुझे लगा कैलकुलेशन में एरर ना, ये तो आंसर सही आ जाएगा, आई प्लस आई बाय थ्री 4i/3 हो जाएगा और ऐसे आंसर आ जाएगा। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं प्रॉब्लम को, बताओ
चलो सोचते हैं, मेरे को लग रहा है कि उससे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, बाहर निकल गया कितना आया बेटा? एक्स एक्स और एक्स क्यूब बचा। हाँ। तो मैंने क्या किया, देखो एक्स, देखो मेरी ये थोड़ी ना, ये थोड़ी मैनिपुलेशन मुझे अपनी फेवरेट लगती है। अभी भी एक्स क्यूब ही है देखो ध्यान से तो। हाँ। तुमको लगता नहीं ये सेकंड फंक्शन मारने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा? हाँ। समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रूट एफ एक्स एफ डैश। हाँ सर इसमें। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो देखो उड़ तो नहीं गया? नहीं, नहीं मैं नहीं, वो बोलने वाला था कि वो कल वाला मेथड नहीं कर सकते, फिर वो याद आया वो रिसीव टोकन होता है। उसके बाद कौन सा डाउट है तुम्हारा? 1904। ये तो किसी से तो हो गया होगा 1904, ऐसा नहीं किसी से ना हुआ। नहीं बट सीरियसली ट्राई किया ना तूने? हाँ। आज कल तेरा होमवर्क पता ना क्या तेरे को क्या करना? स्ट्रेट लाइन। हाँ। नहीं तो अपनी दोस्ती कल खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे टिकी हुई। समझ में आया? हाँ। बच्चों गुमराह करने का तरीके तो मेरे को आते हैं। हाँ दोस्तों क्या करना चाहिए तुमको? बस एक ही स्टेप के से सवाल खत्म हो जाता। कोई बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला? ओरली इसका डेरिवेटिव बताएगा? ओरली इसका x e की पावर x, x e की पावर x प्लस है प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x सॉरी e की पावर x * x + 1। हां तो ऊपर x + 1 है लेकिन क्या नहीं है? तुमने बोला कि सर इंटीग्रेशन में इतनी मैनिपुलेशन तो आपने सिखा दी। आप x e की पावर x को t मान लो तो ये कितना हो गया? dt। हां हां ये t, ये 1 + t। अब भी आगे आगे करूंगा? नहीं सर। t + 1 का अभी मैं हाल एक गंदा 1904 के बाद कौन सा? 1902 3 भी है 2 भी है ऑल 3 2 किस किस से हुआ 2? नहीं वो पूरी लाइन ही नहीं हुई कि चलो कोई अच्छा, पहले एक ऐसे करते हैं इसको दो तीन तरीकों से करते हैं। नंबर 1 मेथड, जब भी मेरे को रूट लाइन बाय लाइन दिखती है ना तो मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, लेकिन उसमें तरीका है ऊपर वाली लाइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, जनरली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ। इससे फायदा क्या होगा? x माइनस 1 अंडर रूट कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 dx बाय कितना हो जाएगा? x स्क्वायर x स्क्वायर। और आई थिंक जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो बोलेंगे सर आप अलग अलग कर दोगे, x बाय x स्क्वायर कितना हो जाएगा? dx अपॉन में कितना हो जाएगा? x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और dx अपॉन में कितना हो जाएगा? x स्क्वायर अंडर रूट कितना? यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर? इसका इंटीग्रेशन तो शायद तो बच्चा बच्चा भी बोल बता देगा कि सेक इनवर्स x होता है, है ना? हां सर। लेकिन अब मुझे सोच के बताना इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुमको पता है कि यदि कुछ समझ में ना आ रहा हो तो एक बार इसे पावर कौन सी बाहर निकाल के देखोगे मन में? x स्क्वायर x स्क्वायर की। और x स्क्वायर बाहर निकाल के देखा बाहर कितना हो गया? x क्यूब बन जाएगा और d बन जाएगा। और तुमको तो आज मैनिपुलेशन आने लगी, ये f dash x बन गया, root f x बन गया, देखा? तो 2 root f x एक और बताऊं, एक और तरीका अल्टरनेट अप्रोच। मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 1 बाय x, 1 प्लस 1 बाय x और नीचे क्या लिखा 1 बाय x स्क्वायर dx। आई थिंक ना मुझे cos थीटा 1 बाय x को cos थीटा मान लेना चाहिए। हां अभी 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 ये ट्राई करके देखना हो जाएगा ना इससे tan थीटा बाय 2।
हो जाएगा। एक और अल्टरनेट अप्रोच बताता हूँ, ठीक है? इसको टी स्क्वायर मानना तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, कंपोनेंट विंडो से कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 2 कट गया। सोचो एक बार क्या हो गया, मैंने रूट के अंदर वाले टर्म को क्या मान लिया। तीसरा तरीका बता रहा हूँ इस सवाल को सॉल्व करने का। अरे चमक रहा है? यस सर। अब ये तरीके की ना जगह मुझे कोई दूसरे कलर का पेन यूज करना चाहिए था। तो dx is equal to कितना होगा तुमको बता सर, कंपोनेंट विंडो रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे डॉक्टर का स्क्वायर। हालांकि सर का ट्रिक भी तो रहती है, लेकिन तुम ओरल डेरिवेटिव बताओ न्यूमरेटर में क्या बनेगा। ये बन जाएगा, देखो ध्यान से दिख रहा है। अब ये सवाल क्या बन गया देखना, तुमने इसको क्या माना था टी स्क्वायर, ये तो क्या बन गया टी बन गया। dx कितना था 4t dt अपॉन में कितना था 1 माइनस टी स्क्वायर और बाय एक्स स्क्वायर भी था। तो बाय एक्स स्क्वायर को भी कैसे बैलेंस किया जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर कितना है? हाँ हो गया ना सर। हाँ बोल 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 बेटा। न्यूमरेटर में 40 होगा या 80? आई थिंक 40 आना चाहिए, मैंने ओरली किया 42 40 आ रहा है ना, किसी का 80 आ रहा है क्या? अरे पता नहीं करो ना, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर दिए। डॉक्टर का स्क्वायर, डॉक्टर थक गया इनटू कितना आएगा 2t आएगा, 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t आएगा। अरे अरे एग्जाम सही है ना। अरे मैंने 1 प्लस t होल स्क्वायर कर लिया था। ये सारी वैल्यू रखते रखते देखना देखना, अभी मैं तुमको तीन तरीके बता दिए इस सवाल को सॉल्व करने के। तो देखो t अलग कर लो, 40 अपॉन में 1 प्लस टी होल स्क्वायर भी आएगा क्या, एक्स स्क्वायर था ना तो होल स्क्वायर आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ये वाला सेकंड फंक्शन रेडी है, इसका इंटीग्रेशन पता ना तुमको। अरे 1 प्लस टी स्क्वायर यू मानो। हां सर हां भाई, मैंने तो मेरा काम है तुम्हें तीन तरीके बताना। देखो जिस सवाल की इतनी अप्रोच बहुत बता दी मैंने, इतने अप्रोच। Done? Yes, sir. अब निश्चय 1954 से मुझे भेज। मैंने भेज दिया आगे कैसे? 1954 से? हाँ लुक, हाँ मेरे को सीक्वेंस थोड़ा सही करने दे। 1954 से लेके ना भेज दिया। 2003 तक बताओ। से लेके भेजी तूने मेरे को भेज दिया ना, मैं देख लिया। हाँ 1954 से लेके चलो पहले 1190 तक बोलो। 6-5 हो गया सर, 6-5 रहा है ना, 6-4 ओके। और उसके बाद 6-8-6-9 7-6 मतलब तुमने क्लासरूम कॉपी पढ़नी नहीं है ना, 7-6 जिसने पूछा। और चलो cos थीटा प्लस b sin थीटा अंडर रूट। हां और बेटा वन नाइन एट फाइव डाउट नहीं है किसी का, आई थिंक वो शक्ल से दिख के लग जाना चाहिए था, किसी को पूछ लेना चाहिए था डाउट ऐसे। हाँ ऐसे पूछा करो ना, दिखने में तो गंदे को पूछ लिया करो। 1984 भी होना चाहिए तुमको, लगा नहीं 1991 भी होना चाहिए, दिखने में तो कोई इस पेज पे तो दिख रहे हैं, बस इस पेज में तो नहीं मुझे गंदे दिखाई दे रहे थे। ठीक है
और किसी को डाउट नहीं है कि निश्चय के अलावा जुगल के अलावा किसी ने फॉलो नहीं किया क्या? एक दो और ने सर इतना वो इतना आगे तक नहीं किया है, फिर भी देख के बता। चलो 1964 के बारे में बताओ, कौन मेरी हेल्प करेगा? सर मैं बताऊं? रुको पहले मैं लिख लूं एक बार फिर बताना। हाँ बेटा बोल। 1 + sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, शाबाश। और नीचे क्या बन गया? cos²3x फिर छुट्टा पार दिया। अरे ज्यादा पढ़ने का कभी कभार क्या हो जाता है? मैं क्या उल्टा सीधा कर रहा था वो। पीछे आंसर मैच कर रहे ना वो देख लेना बस। पीछे से उन्होंने एलन के टर्म्स में दिया है, वो फिर बन जाएगा। एलन के टर्म्स में मतलब 10x plus sec x को ln 10 pi by 4 plus x 3x by 2। मैंने कोई मिस्टेक किया क्या? मुझे पिछले वाले का आंसर भेजना है और क्या दिए मैं बोल लाता हूँ। तुम्हारा 1955 भी होना चाहिए। सॉरी सॉरी सर ln नहीं है, सिर्फ 10 है। 10 ऐसा ही आंसर है, कुछ और है? ओ 1/3 tan π/4 + 3x/2 + c। एक बार मुझे भेज में चेक करता हूँ। और किसी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है इसके अलावा? अच्छा, वो तो आपने लिखवाया था ना, इसको x plus 10x को लिख सकते हैं वो pi by 4 plus x by 2, तो उससे हो जाएगा ना 10 pi by 4 plus x by 2। sec x plus 10x को लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, आ गया। 1/3 अब तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। शाबाश निश्चय। 1964 के अलावा 1968 कोई बताएगा हिंट इसके बारे में? थोड़ा भी दिमाग काम करेगा तो तुम हिंट मुझे खुद ही बता दोगे। ये सवाल मेरे से पूछना चाहिए नहीं था तुमको। अरे निश्चय ये कैसे काम करे? इकी पावर को टीम मान लेना, इकी पावर एक्स बीस कितना हो जाएगा? बीटी। ये तो बोर्ड में नहीं। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। ये कैसा डाउट था रे निश्चय? सॉरी सर। 1969 भी ऐसे ही। e की पावर e ln x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो 2x ऐसे सेपरेटली मान ले। 4x डी स्क्वायर dt। 1/4 बार आ जाएगा बाकी dt। I think clear? Yes, sir. और कौन सा डाउट था तुम्हारा भैया इसमें? वो 76 आपने बोला, वो उधर बोला ना, फिर याद आ गया। चलो मैं करवा देता हूँ। आजकल के आज तुम्हारे टेस्ट पेपर में भी ऐसा। किसे मल्टीप्लाई करोगे सोचो? 2 से मल्टीप्लाई। और मैंने बोला था जनरली इसको कोसेक बनाने की आदत, साइन का फॉर्मूला बनाने की डालो आदत। साइन 5 और कितना? π/3 और 1/2 को अलग कर दो। अरे समझ में आया ना मैंने क्या किया? हाँ सर। अरे गुजरात बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और कोसेक का इंटीग्रेशन तुमको दो पढ़ाए हैं, एक तो क्या पढ़ा है ln cosec x by 2। हाँ इसमें वो डाल कर log 10 x by 2 मतलब 5 by 2 plus कितना 5 by। हाँ ये 9th MCQ था शायद। आज के पेपर में मिल दिए तुम्हारे जो सुबह मॉर्निंग बैच था। हाँ हाँ 9th MCQ था उसमें याद आ गया। उसके अलावा कोई डाउट था? उसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट होता ना पूछने वाले? अरे एक बार 72 में मेरा आंसर ln cortex आ रहा है, बस उन्होंने cortex लिखा है पीछे, मतलब वो पूरा आंसर बाकी सही है, एक जगह ln cortex आ रहा है, उन्होंने cortex लिखा किधर? 1972। हाँ
आई थिंक मैं तो बाय पार्ट्स लगाऊंगा इसमें, इसका एंट्री से मुझे पता है साइनस को टी मानूंगा तो कोस एक्स कितना हो जाएगा डीटी डीटी। हां तो एक्स को बाहर निकाला डीटी बाय टी क्यूब मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा अभी। हां तूने ऐसे किया था क्या? हां सर मैंने ऐसे ही किया था। डीटी बाय टी क्यूब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाय 2 टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर बाय माइनस 2। हां सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बार जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 1 बाय टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब कितना? साइन स्क्वायर एक्स। अरे अरे मैंने सॉरी सॉरी। हाँ कॉट एक्स ही आएगा सही है बेटा। बस ना तुम थोड़े ऐसे काम मत करो जो मेरे को 1972 के बाद कौन सा बाकी भाई आप सही से बताना। बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया तो मुझे दूसरा पेज दे दो यार। कौन सा पेज ट्राई किया इसके अलावा बोलो? ये 1910 से 1954 वो मिसलेनियस वाले 1910 से लेके कहां तक 1950। हां उसमें बोलो कौन कौन से डाउट है। ये 1992 में आंसर थोड़ा अलग आ रहा बेटा। 1919 1922 में ये तो ब्रो तेरे से हो जाएगा देख। हां मतलब पर आंसर मैच नहीं कर रहा। चेक कर लेते हैं एक बार बेटा। और जो जो मुंह उठा के आए उनका क्या करें? उनको मैं कल आरटी में लूंगा। रुको ये 18x चाहिए था ना 18x तो f'x/√fx 2√fx कुछ गलती तो बोल देना ना। ln x प्लस क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना 1 बाय ये आंसर नहीं आ रहा क्या जो कल बेटा? हाँ आंसर यही है। तेरी क्या मिस्टेक हुई? वही देख रहा हूँ। मेरा 2-6 और 3-2 में मैच नहीं कर रहा हो तो गए। इसके बाद 1992 के बाद 1926 ये किसी हाँ मुझे भी डाउट है। आई थिंक तुम यदि मेरी बात एग्री करोगे तो माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब रूट का इंटीग्रेशन तुम अलग कर दोगे। सोचो क्यों सर? वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर से कट जाएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 है। नीचे क्या बन जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही किया सर। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ। तो तुमने इसे माइनस बार ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना तो ये एक्स तो ये कितना का डी टी। हाँ सर। हाँ सर। टी की पावर 3/2 अभी मैच नहीं कर रहा क्या आंसर? कर जा रहा हूँ। हाँ सर कर जाए हो जाएगा ना अभी तो ये नहीं हो रहा। हाँ ये यही हो गया है सर। वेरी गुड यार। 1926 के बाद कौन सा है? कोई बोलेगा अपना 1935 बेटा ना 3835 बेटा। मुझे तो कुछ यदि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या करता हूँ रूट के अंदर वाले एटम को क्या मान लेता हूँ हालांकि तुम ऐसी हरकत करने से भी बच सकते थे। 4 से मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड किया प्लस 2 माइनस 2 किया है ना जुगल। तो आई थिंक हाँ हो जाएगा लीनियर की ये हो जाएगा ना अभी तो। हाँ दोनों लीनियर है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लगा दो। 1935 के बाद कौन सा? 1938 ये इंटरेस्टिंग लग रहा है दिखने में तो मुझे पता नहीं क्यों टफ है क्या किसी ने किया क्या? नहीं हुआ। I think तुम स्केयर करने में बिलीव रखा होल स्केयर खोला जैसे और जिन जिन के इंटीग्रेशन पता है उसमें तुमने मजे लूट लिए और मुझे लगा तुमने सही से किया ही नहीं।
इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका 1 plus cos 2x by 2 से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको t, इसको sinus को t, t, t मान लेना है, t square मान लेना, तो ये dt में adjust हो जाएगा, तीनों का इंटीग्रेशन होता होगा। अरे समझ में, ऐसे ही किया था क्या तुमने? नहीं सर, नहीं। हो गया ना सर? हाँ सर। भाई minus cos x, और इसका कितना 1 plus cos 2x by 2, मतलब x by 2, अरे साइन को टी मानना तो ये होगा डी टी में, मतलब एफ ये एफ टी रूट एफ 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 ऑफ टी की पावर कितना हाफ है ना, हो गया डन, अब तो हो गया डन। यस सर, यस सर। 1938 के बाद बेटा कौन सा डाउट है? 1939 ए ए मैं तेरे को ना 1939 किसी से हुआ 1939 सर? हो गया। अरे ये अरे मतलब ट्राई करना रह गया, एक की पावर हो जाएगा ना। हाँ वो तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट की पावर x। हाँ हाँ अपॉन में लॉग क्या हो जाएगा, लॉग कांस्टेंट। उसके बाद इस पे भी कोई डाउट नहीं है, ये 1947 लाइन बाय क्वाड्रेटिक, नीचे का डेरिवेटिव 2x + 2 आने वाला है ना। हाँ हाँ, तो तूने 2x + 2 अपने पास कितना था, 3x - 1 3 / 2 करेंगे आगे। तो अभी कांस्टेंट को बैलेंस करना बाकी है, अपना कांस्टेंट कितना हो गया, 3 हुआ, 3 जुगल सही में डाउट था तेरा ये? हाँ ये तुमको लगता नहीं, मेरे को मैक्सिमम एक या दो दिन और लगेंगे मैं पूरी डिस्कस कर सकता हूँ, तुम लोग ट्राई करने में आलस कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ अमर कुछ बोल रहा था बेटा? ऐसे कांस्टेंट एडजस्ट हो गया कि मुझे लग रहा है कि वो कुछ बैलेंस नहीं हुआ, एक चेक कर दे 3 / 2 * 2 कितना हुआ, 3 3 - 4 4 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। हां मतलब 4 4 4 ये 4 लग रहेगा, वो कर दिया बस खुश। यस सर, और कुछ? नो सर। अभी तुमने तो बाकी होने तो किए नहीं, तो कब तक करोगे, 2011 तक करो, कब तक? कल हो जाएंगे। हाँ सर कल हो जाएंगे सर, वो वाला। अब मैंने इतना कम होमवर्क दे रहा हूँ यार, मैं गुस्सा भी नहीं कर रहा, पंकज सर वैसे भी मारते तो है नहीं है। हाँ सर वो तो इतना तो कर लोगे बेटा। हाँ सर उसमें भी मैं तुम्हें काम काम के क्वेश्चन बता दूंगा, चलो तुम्हारे होमवर्क खत्म कर देता हूँ कम से कम, बाकी तुम ट्राई करना चाहते पूरे कर लेना। 1985 जो डाउट आएंगे, अब तुम ये प्रूफ करना ये तुम्हारे डाउट नहीं आएंगे, ठीक है ना। 1991 1995 1999 2001 2005 2009 2009 2005 2009 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
उसके बाद 2000 से कुछ दे देता हूँ उनको, मेरे को फोटो देखने तो निश्चय में दे तो 2010 बंदा दिख रहा है, 2000 मेरे को ये दिख नहीं रहा पेज से, 2010 तो बोर्ड लेवल का भी सवाल नहीं है, सोचो क्या करना चाहिए।
साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर और वो फिर दूसरा सेक स्क्वायर ऊपर मतलब सेक में एडजस्ट होगा और दूसरा सेक बन जाएगा। उसके बाद जो मैं देना चाहता हूँ मेरे को मुझे सीक्वेंस देख लेना मेरे उसके बाद ना सीधा 2055 अभी बीच में मैंने छोड़ दी जानबूझ कर को मैं लूंगा सारे क्वेश्चन 2069 निश्चय भेजेगा और एक नोट उधर नहीं भेज रहा करो कितने हो गए 20 क्वेश्चन हो गए मुझे बोल देना बस हो गया क्या 93 हो गया 2101 2103 2109 2107 बहुत है इतने तो कल के लिए मैं लिखवा देता हूँ जिनको भी टाइम मिले कर लेना मैंने बहुत कम होमवर्क कर दिया बस बहुत है इतने ट्राई कर लाओगे देखो तुमको मैंने क्रीम दे दिया तुम भी इसी वे में सर ये वाला 2076 है ना कौन सा 2074 के नीचे 5 है 5 यदि ये कल नहीं किए ना ध्यान रखना फिर आज सुबह वाले बैच से पूछना सर तो मारते ही नहीं है नहीं मारते सर और यदि सर तो मारते भी तो धीरे से मारते हैं डन यस सर तो चलो सब सबको मेरी तरफ से कल हैप्पी नवरात्रि स्टार्टिंग में ना हैप्पी नवरात्रि थैंक यू सर हैप्पी नवरात्रि सर सर सेम टू थैंक यू और मजे मारो थोड़ा मजे मारो ना ज्यादा नहीं थैंक यू सर बाय सर इंस्टाग्राम ज्यादा चला सकते हैं चलाते हैं तो पहले 10 घंटे चलाते हैं चलो बाय बाय गुड नाइट बेटा थैंक यू सर बाय सर